हेलो स्टूडेंट्स, के दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र हुआ था पॉलन ग्रेन्स का मेल मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में, ठीक है। तो इसके बाद पॉलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में, फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच अकर आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। एंड जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और उससे क्या बनता है, फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड होता है वो जाइगोट 2N, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन भी आता है, इसको हम एक पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। के दिस इज़ द ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल है जो अभी आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि ये प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। जो फ्लावर है, फ्लावर के फीमेल पार्ट में जो ओवरी होती है, बल्जिंग वाला पार्ट था, उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट था, ठीक है, वो ये ओव्यूल है। इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड वन फीमेल गैमेट ऑल्सो, ठीक है। एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा ओव्यूल में एंड दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो जो स्पेस था माइक्रोपाइल वाला स्पेस, यहाँ से दो मेल गैमेट आएंगे, ठीक है। यहाँ से दो मेल गैमेट आएंगे, एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा इस फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है। जब ये इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी, ठीक है। व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है। और दूसरा जो इसमें मेल गैमेट बचा, दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाके यहाँ पर इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा। और जब एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। क्लियर है, एक सिनगैमी प्रोसेस है और एक ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस है, बोथ आर डिफरेंट। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, और दूसरा एक फीमेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का, इसे बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। एक सिनगैमी हुआ है और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, इसलिए दो क्या हुए हैं, फ्यूजन हुए हैं। इन दोनों फ्यूजन को हम बोलेंगे, ओवरऑल प्रोसेस को बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके डेवलप हो जाता है सीड में, ठीक है। और सीड आपको पता ही है डेवलप होता है प्लांट में। देखिए जब वो सीड होता है, तब उसमें जो उसकी जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो जहाँ पर लाइफ होती है, इसे हम लाइफ नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। जो लाइफ होती है सीड की, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर माध्यम होगा जो कि इसको नरिश करता होगा, यहाँ पर होता है प्रेजेंट एंडोस्पर्म, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन। और एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस हुई थी, उसके जरिए यहाँ पर क्या बना, एक रिजर्व फूड बना यहाँ पर एंडोस्पर्म, जिसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। यही फूड प्रोवाइड कराता है इस एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो कैसे बना, एम्ब्रियो बना सिनगैमी प्रोसेस से, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन से बना है यहाँ पर शीट का एंडोस्पर्म, और जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियो को, और सिनगैमी से बना है एम्ब्रियो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विथ टू मेल गैमेट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, जब डबल फर्टिलाइज हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। दो टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कैसे भी, एक मेल गैमेट और एक एग सेल,
जिसने बनाया जाइगोट, और सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई मेल गैमेट और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, यानी कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, वो एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि एंडोस्पर्म नरिशमेंट का काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।